हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। मेरा जो चैनल फिनिक्स पे है, ये लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है। तो आज हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। अगर स्टे ऑर्डर आप लेना चाहते हैं, कोर्ट में जाके ले रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको स्टे ऑर्डर आसानी से मिल जाए। तो इससे पहले मैं इस टॉपिक में बात करूँ, मेरा आप सबसे गुजारिश रहेगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टे ऑर्डर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात आती है कि हम स्टे ऑर्डर हम किस किस सिचुएशंस में हम ले सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ रहता है कि अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा हो, या कोई हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, या हमारी प्रॉपर्टी या हमारे लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या हमारी प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इन चारों ही स्थिति में हम स्टे के एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और एक चीज़ होता है, जब हम सेल की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना प्रॉपर्टी हो। अगर कोई इसके ऊपर आपने केस डाला हो और कोई डैमेजेस आप उससे वसूलने वाले हो या लेने वाले हो या कोर्ट ऑर्डर करने वाला है, और वो डैमेजेस वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके ही आपको दे सकता है, और अगर आपको पता चला है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करने वाला है, तब भी उस स्थिति में भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो स्टे ऑर्डर जब देते हैं तो कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखता है, चलिए देखते हैं इस बात पे। दैट एनी प्रॉपर्टी इन अ सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, और दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोज द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरीज टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट। अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर डेंजर है उसका लॉस होने का, वो वेस्ट हो सकता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा किसी और पर्सन के लिए, या फिर क्रेडिटर्स जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं उनको डिफ्रॉड करने के लिए काम किया जा रहा है, या फिर किसी को धमकी दिया जा रहा है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं ये कर दूंगा, डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर स्टे ऑर्डर हमें लेना है कोर्ट से तो किन किन बातों का विशेषता हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये तीनों चीज़ होंगी तभी आपको स्टे ऑर्डर मिलेगा कोर्ट से। और एक चीज़ की बात की ध्यान रखने की इसमें होती है कि जो स्टे ऑर्डर होता है ये कम्प्लीटली कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, मतलब ये कोर्ट के ऊपर में है कि वो आपको स्टे ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे पेपर्स हैं तो मुझे स्टे ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। कुछ कुछ बातें होती हैं जो पॉइंट्स में भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये तीनों चीज़ होती हैं तभी स्टे ऑर्डर मिलता है। तो पहला क्या चीज़ है, पहला है बोनाफाइड या प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस का मतलब ये है कि आपका क्या है इस केस पे, आप क्यों आए हो कोर्ट पे, आपका क्या से है इस पे, आपका क्या स्टेक है इस केस में, क्या आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, या क्या आपको उससे नुकसान होने वाला है। जो दूसरा पॉइंट आ जाता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सबसे पहला चीज़ आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप आए क्यों हो कोर्ट में, आप कौन हो, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी आपकी जो प्रॉपर्टी है उस वो कोई सेल कर रहा है या उस पर कोई घर बना रहा है, तो उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, आपको क्या उससे मतलब वो जो करने वाला आदमी है, जो दूसरा पार्टी है, वो कौन है और आपकी स्थिति क्या है, मतलब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है कि आपका स्थिति क्या है उस चीज़ उस जगह पे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा जाता है इरिपेरेबल लॉस, अगर वो चीज़ हो जाती है, अगर सेल हो जाता है, अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उससे आपको वो चीज़ को क्या वापस ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये दोनों ये तीनों चीज़ को कोर्ट देखता है। और ये तीनों चीज़ होती हैं कोई केस में तभी जाकर स्टे मिलता है। तो मेन चीज़ समझने की बात होती है आपको कोर्ट पर जाते वक्त क्या चीज़ आपको बताना है। प्राइमरी फेसी में तो आपको बताना है कि आप ओनर हैं अगर प्रॉपर्टी के, तो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जाना होगा। दूसरा चीज़ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, आपको कोर्ट में यह दर्शाना होगा कि आपका अगर ये काम हो रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, अगर वो चलती रही तो आपको उसे नुकसान हो जाएगा, आप उस स्थिति में हो कि आपको नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है। तीसरा चीज़ इरिपेरेबल लॉस, मतलब अगर ये चीज़ चलती रही तो एक लॉस हो जाएगा और इसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट को आपको जब आप प्रूव करते हो कोर्ट में तभी जाकर आपको स्टे ऑर्डर मिलता है। तो व्यूअर्स, आज का ये छोटा सा वीडियो इसी पॉइंट पे था कि स्टे ऑर्डर लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान चाहिए। अगर इन तीनों पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, पहला चीज़ बोनाफाइड प्राइमा फेसी केस,
सीधा सीधा बात है, आपके हाथ में टाइटल डीड्स या आपके पास में प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, आपको पता चला, आपको कहीं का सेल एग्रीमेंट मिला है, या कोई आपको जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको कुछ पेपर्स आए हैं जिससे पता चल रहा है कि हाँ ये रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसा सबमिट किया गया है सेल डीड को या ऐसा कुछ। तीसरा चीज़, इरिपेरेबल लॉस, अगर कोई डैमेजेस कर रहा है प्रॉपर्टी को या फिर उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसकी फोटोग्राफ डेट के साथ में। तो ये तीनों चीज़ आपके हाथ में अगर होती हैं तभी आप कोर्ट पर प्रूफ कर पाते हो और उसी के बाद में ही आपको स्टे ऑर्डर मिलता है। तो आई होप यू व्यूअर्स, आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और जब भी आप स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट में जा रहे हो तो इन तीन बातों का बहुत ही ध्यान रखेंगे, एंड आई होप आपको उसके साथ में सक्सेस भी मिले। आई प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।